ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते वापस से अपने घर पे मींस अपने गोल्डन लग्जरी मेंशन पे पहुंचने वाला हूं। और जो अपनी नेक्स्ट ट्रिक है ना माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करने वाली, वो ट्रिक बारिश में ही काम करती है, तो उसी ट्रिक को भी मैं सबसे पहले आपको करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए हमें यार भैंस के इतने सारे मॉब्स कहां से आ रहे हैं भाई, रुक जाओ, स्पाइडर और स्केलेटन तू निकल यहां से, पहले गाइस इनको लपेट दूं। ये ज़ॉम्बी विलेजर तू कुछ करेगा कि बस खाली बैठने है, मार गया उसे, ये मीट खा के जा। हाँ ठीक है, तो अभी ना उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इलाइट्रा चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो इलाइट्रा कहाँ से आ गया, तेरे पास था नहीं भाई, मेरे को एंड सिटी जाना आता है, ठीक है। बाकी ट्राइडेंट मेरे पास पूरा फार्म है, वहाँ से आ चुका है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये वीडियो बनाने के लिए तड़प रहा था इतने दिन से, सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, बट आज वो टाइम आ चुका है कि मैं आपको अपनी खतरनाक ट्रिक्स दिखाऊं। तो अभी फटाफट से मैंने लाइटर पहन लिया है, हमें बस ट्राइडेंट चाहिए। तू यहीं बैठ जा भाई, तू मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अभी मैं बहुत तेज उड़ के जाने वाला हूं। तो ठीक है गाइस, हमें बस दो चीज़ें चाहिए, ट्राइडेंट जिसमें रिपटाइड लगाओ, अनब्रेकिंग लगा देना वरना ये टूट ना जाए, बाकी एक लाइटर चाहिए जिसमें कुछ लगा हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी फटाफट से हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी एक ऊंची जगह पे जाना है और डबल स्पेस दबा के ऐसे थोड़ा सा फ्लाई करके ट्राइडेंट को यूं मारना है और फिर दोबारा से हमें फ्लाई करना है। अब आप लोग कह रहे हो चल बे कुछ भी स्पीड नहीं है, इसे स्पीड कहते हैं, बट अब ये जो है इतनी तेज स्पीड में जाने वाला है कि आप लोग भी एक बार को सोचोगे कि माइनक्राफ्ट खराब तो नहीं हो गई है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि सामने कोई माउंटेन ना हो जाए। देखो अभी मेरी माइनक्राफ्ट ऐसे लग रही है, मतलब जगह रेंडर ही नहीं हो पा रही भाई। और सेकेंड चीज, इस टाइम पर हम लोग एक फ्लाइंग जेट बन चुके हैं, अगर हमारे सामने कोई भी माउंटेन या दीवार आता है तो उसमें हम ठुक के मर सकते हैं। बट क्लाउड्स अगर ओन है ना, तो मुझे एक आइडिया है कि हाँ यहाँ पर बादल हैं, यानी मैं अच्छी खासी ऊंचाई पे हुई, जितना आप देख पा रहे हो ना ये क्लाउड्स है। तो बस माइनक्राफ्ट में अभी क्लाउड्स ही रेंडर हो रहे हैं, जिससे मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूँ मैं कितनी हाइट पे हूँ। बाकी स्पीड वो भी आपको पता चल जाएगी कि मैं कितनी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। गाइस देखो, अभी ना मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे मेरे वाई और जेड दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कितनी तेज़ी में बढ़ रहे हैं और मैं इस टाइम कितना ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। मैं इस टाइम पे 6000 ब्लॉक ट्रैवल कर चुका हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, 2 या 3 मिनट हुए हैं। तो अगर हमें 1 लाख ब्लॉक जाना है तो मेरे हिसाब से हम लोग अगर ऐसी एक सही डायरेक्शन में जाएं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे। और इस टाइम तो भाई इतनी ज़्यादा स्पीड है कि रिपटाइड भी कह रही है कि भैया नहीं, इससे तेज नहीं उड़ा पाएंगे तुम्हें। बस 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 भाई, अभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, मैं पूरे के पूरे 10,000 ब्लॉक दूर आ गया हूँ और शायद से अपनी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में मैं पहली बार ही इतना ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई जब तक बारिश चल रही है ना, फटाफट से वापस अपने कासल निकल लेते हैं, वरना बाद में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा यार जाना बारिश बंद होगी तो। नॉर्मली पैदल जाना बहुत हार्ड है इतनी दूर। ओके, आई हैव अ ब्रिलियंट प्लान। मैंने ना कल इंटरनेट पर गाइस एक ऐसा टिकटॉक वायरल हैक देखा था ना, जिसको मैं अभी यहाँ पे टेस्ट करना चाहूंगा। एंड गाइस, वो जो वायरल टिकटॉक हैक है ना, वो बेसिकली हमारा स्पीड टेस्ट होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि शायद से वो काम कर सकता है अच्छे तरीके से, बट मैं 100% कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको हम लोग अभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं ना भाई, बहुत मजा आएगा, वो एक्चुअली बहुत ही ओपी है कसम से। तो इस वायरल टिकटॉक हैक के लिए मुझे ना पहली बात तो क्या क्या चीजों की जरूरत है, मुझे बहुत सारे ग्लासेस की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, एंड तुम लोग यहाँ देखो, ग्लास मेरे पास भाई दुनिया भर के पड़े हुए हैं। ग्लास के अलावा गाइस मेरे को अभी यहाँ पे ना नेदर के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि क्या है एक्चुअल में। तो देखो गाइस, तुम लोगों के अकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड से हम लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, तुम्हें से कई लोग बोलेंगे कि भाई सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होती है ना, वो होती है बोट इस आइस के ऊपर। देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फास्ट है एक्चुअली, एंड अगर जेनुअली देखा जाए गाइस तो ये फास्ट है, बट दिस इज नॉट फास्ट इनफ। अब इसके अलावा गाइस तुम लोगों को याद होगा कि जब भी हम लोग सोल सैंड के ऊपर सोल सैंड 3 के एंजेंटेड वाले बूट्स के साथ अगर ट्रेवल करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, राइट। तो दूसरा वो हो गया है, बट वो भी गाइस फास्ट इनफ नहीं है। इसके अलावा एक और होता है, जब हम लोग तैरिया मारते हैं पानी के बीच में डेप्थ स्ट्राइडर 3 के जूते पहनकर, ओके, जो कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है। और इसके अलावा पानी के बीच अगर हम लोगों को ट्रैवल करना है फास्ट, तो हम लोग डॉल्फिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। वहां देखो डॉल्फिन मुझे दिख रही है, अटकी हुई है भाई, पता नहीं काई कितनी की हुई थी ये
ऐसे हवा में उछल के गई। तो गाइस अगर हम लोग इन सभी चीजों को कंबाइन कर देंगे ना, तो जो वो रिजल्टिंग स्पीड होगी ना गाइस, वो इतनी ज्यादा हाई स्पीड होगी कि अगर 100 ब्लॉक का डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है यहाँ से 100 ब्लॉक आगे, तो चुटकी बजाते ही 3 चुटकी जब तक बजेगी तब तक के लिए हम वार से पार होंगे। और मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा। देखो गाइस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लगाने वाला सबसे पहले सोल सैंड नीचे, एंड अब ओके यार इसके ऊपर अगर मैं ऐसे ही चलता रहूंगा ना तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। यहाँ से पानी के बीच कदम रखते हैं और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यूसली पीछे के लिए लगाने वाला हूँ। और देखो गाइस जैसे मैं यहाँ पर ये पहनने वाला हूँ ना, सोल स्पीड 3 का जूता भी देखना तुम लोगों ने, क्या स्पीड से भागूंगा मैं। इसको मैं प्रो कर दूंगा। ये देखो गाइस मेरी स्पीड देखो तुम लोग, इतनी ज्यादा तेज है कि मेरे को यहाँ पे एंगल भी इतना अजीब लग रहा है। देखो यहाँ पे, ओ माय गॉड, और इसके लिए एकदम सेंटर पे भागना पड़ता है। अब देखो गाइस थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ पर टॉप में आइस को लगाते हैं और इसके नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं होता, तो देखो ये क्या करता, इसको तोड़ेगा। देखो मैं खाली हाथ से तोड़ूंगा, जैसे इसको मैं, ये गायब हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन तो अब गाइस अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पैक्ड आइस को तोड़ते इसके अंदर से पानी निकले, तो इसके नीचे ब्लॉक होना जरूरी है। जस्ट चेक दिस आउट, इसको तोड़ेंगे सीधा पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। सो ये है भैया जी इसकी कुछ थ्योरी जिसका हमें ध्यान देना होता है। अगर मैं इस वक्त यहाँ पर पहनूंगा गाइस ये वाले जूते, डेप्थ स्ट्राइड 3 एंड सोल सैंड 3 वाले, और यहाँ से मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोग देखो मेरी स्पीड नॉर्मली पानी के अंदर भी कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है चलने के सिर्फ, बट दिस इज नॉट फास्ट इनफ। अगर मैं यहाँ पर अभी तैरता हूँ, देखो यू ऊपर जाकर यू तैरना स्टार्ट करता हूँ, तो तुम लोग देखो गाइस मेरी यहाँ पर स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। चेक दिस आउट, ओ माय गॉड, अंदर आओ यहाँ से। हाँ हाँ यहाँ से आगे आ जा, एंट्रेंस के आगे आ जा। अबे नीचे चलाएंगे मत मार, बहुत शैतान डॉल्फिन है, बहुत ज्यादा। भीतर आ जा, भीतर आ जा, शाबाश। ओए आ गई, ओ भाई मैंने खुद को यहाँ पर गाइस एक्चुअली डॉल्फिन के साथ बंद कर दिया, मरूंगा मैं अभी यहाँ पे। ठीक है डॉल्फिन मैं तेको छोड़ रहा हूँ, और मेरे को यहाँ से बाहर निकलने दे प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मरने वाला हूँ। नाइ तोड़ इसको जल्दी जल्दी इस बॉडी पे, कम ऑन। मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं है। ओके मैं मरना स्टार्ट कर चुका हूँ, यहाँ से ऊपर चलो ऊपर चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो फिलहाल यहाँ पे सांस तो आ रही है, अभी तुम लोग देखना यहाँ से देखो गाइस हमारी स्पीड कितनी ज्यादा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है ये भी, ओके ये कम स्पीड नहीं होती है जितनी है ये। लेकिन अब देखो गाइस, ओ माय गॉड सडनली मेरे को देखो ऊपर ये डॉल्फिन्स ग्रेस लगाना, तो एकदम से मैं कैसे बाहर निकलो यहाँ पे अभी। ओके तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अंदर चलते हैं, यहाँ पर इसको बंद करता। देखो अभी मुझे डॉल्फिन ग्रेस ही लगेगा बिकॉज अभी मैं स्टैंडिंग खड़ा हूँ, और जैसे ही मैं ऊपर जाकर नीचे यहाँ पर तैयारी मारने वाली पोजिशन पे आऊंगा गाइस, और जैसे ही मेरे को यहाँ पे डॉल्फिन ग्रेस लगेगा ना तुम लोग देखना। ओके गाइस तो मैं अभी यहाँ पर ऊपर जाकर जैसे नीचे आऊंगा मैं सीधा तैरना स्टार्ट कर दूंगा, मैं चुप रहने वाला, तुम लोग बस देखना स्पीड मेरी। ये देखो ऑल राइट लग चुका है, क्या स्पीड थी वहां। देखो गाइस वो देख रहे हो, वो हमारी एंड ऑफ द टनल है, और मैं इतना आगे यहाँ पर आ चुका हूँ। इसका मतलब है गाइस ये वाला हैक एक्चुअली काम करता है। इसके अंदर हमारी तीन चीजें एक साथ काम कर रही है, सबसे पहले सोल सैंड 3 सोल सैंड के ऊपर, दूसरी डेप्थ स्ट्राइड 3 बिकॉज हम लोग तैर रहे हैं, और साथ ही साथ डॉल्फिन्स। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।